राजधानी दिल्ली में किसी न किसी इलाके में लाखों की लूट की वारदात को बदमाश अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला साउथ दिल्ली के देवली इलाके में सामने आया है, जिसमें बहाने से एक बुजुर्ग महिला के घर में बदमाश घुसे। पहले उस महिला के स्वर्गीय पति की उधारी रकम को चुकाने का बहाना बनाकर पेटीएम किए, फिर घर के अंदर घुसकर महिला के गर्दन पर चाकू रखकर बोला कि तुम्हारा बेटा मेरे आदमियों के कब्जे में है, तुम मेरे कब्जे में हो, अलमारी की चाबी दे दो वरना तुम और तुम्हारा बेटा दोनों ही जाएंगे खत्म, और डराकर अलमारी की चाबी महिला से ले ली। लाखों की गोल्ड और ज्वेलरी को लेकर फरार हो गए चोर। इस मामले में तिगड़ी थाना की पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। ये वारदात डिगरी थाना इलाके के देवली में रहने वाली बुजुर्ग महिला अनीता गुप्ता के घर में हुई। उनके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। उनका ज्वेलरी का शॉप है, लेकिन बाद में बंद करके जो बची हुई ज्वेलरी थी वे घर में ही अलमारी में बंद करके रख दी थी। आज शाम में एक शख्स अचानक उनके घर आया, महिला को गेट पर बुलाया और कहा कि आपका पति से रकम उधार लिया था जिसे धीरे धीरे करके मुझे लौटाना है, और उसने 5503 बार करके महिला के नंबर पर पेटीएम किए, और इसी बीच उसने महिला को डायरी लाने के लिए बोला। जैसे ही महिला अंदर गई तो बदमाश उसके पीछे पीछे अंदर आ गए और चाकू निकालकर गर्दन पर लगा दिया, और फिर महिला को डराकर बोला कि तुम्हारा बेटा जो ऑफिस गया है वो मेरे आदमियों के कब्जे में है, और तुम मेरे कब्जे में अलमारी की चाबी दे दो वरना दोनों को साफ कर दूंगा, अगर पुलिस को जानकारी दी तो दोनों में से कोई नहीं बच पाएगा, और फिर चाबी लेकर वहां रखी लाखों की ज्वेलरी बैग में भरकर अपने साथ लेकर वो फरार हो गया। आया था, उसने मेरे गेट खुलवाया। कितने बजे? ये 5:20-5:23 पे आया था। तो उन्होंने गेट खुलवाया तो मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे पैसे देने आया हूँ, जो तुम्हारे हस्बैंड के पैसे बचे हुए हैं मैं वो पैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगा। उसने मुझे 3 बार 500-500 रुपए करके पेटीएम की थे। फिर मुझसे कहा था कि डायरी लेने चले जाओ, तो मैं डायरी लेने गई थी, मेरे पीछे पीछे आ गया और मेरे गर्दन के ऊपर चाकू रख दिया। जब चाकू रखा मुझसे कहा कि जो सामान है चुपचाप निकाल दो, अगर तुम नहीं निकालोगे तो मैं जान से मार दूंगा। फिर मुझसे कहा अगर तुम शोर करोगे तो तुम्हारा बेटा है वो जो ऑफिस में गया हुआ है वो क्या कहते हैं उसके पास 2 बंदे खड़े हुए हैं, तुम जरा सा शोर मचाओगे तो मैं उन्हें ऑर्डर करके उसे खत्म करवा दूंगा, और ये कहा अगर तुम पुलिस को इन्फॉर्मेशन करोगे तो तुम्हारे बेटा और तुम्हें दोनों को भून डालूंगा मैं। मुझे धमकी दी और ये कहा कि पुलिस से मैं नहीं डरता हूँ, पुलिस तो मेरे कब्जे में रहती है, इस तरीके से तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्मेशन मत देना। मुझसे ये कहा कि अगर तुमने जरा सा भी तुमने ये भी कही पुलिस को खबर करी तो मैं उसको भून डालूंगा तुम्हारे बेटे को, और तुम दोनों नहीं बचोगे। इतनी बात कह के चला गया। कितना गोल्ड लेके गया, कितने क्या क्या लेके गया? उसमें मैं चांदी का सामान था, चांदी के सामान जैसे मेरे हस्बैंड की शॉप बंद हुई थी, मैंने लिया चांदी का सामान सब 2 बैग में रख दिया, और उसमें मेरे 1 बैग में सामान था, गिरवी का सामान था। इस मामले की सूचना पीड़ित महिला ने तब दी जब बदमाश वारदात को अंजाम देकर भाग गए थे। फिर उसने अपने रिश्तेदारों को बताया और फिर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर तिगड़ी थाना की पुलिस टीम पहुंची और छानबीन शुरू की। सुरेश जी, आपके बगल के घर में डकैती हुए, किस तरीके से आप लोग जो है काफी देखे, पुलिस आई, क्राइम टीम आए, क्या हुआ है पूरा बताएं जी। जिस समय ये क्राइम हुआ उस समय मैं बाहर था अपने एकेडमी में, और जब बच्चों का छुट्टी हुआ फिर मैं घर पे आया तो देखा यहाँ पे काफ़ी पुलिस आई हुई थी, और लोगों से बात किया तो पता चला कि कुछ लोग अंदर आए थे, हमारे जो पड़ोसी हैं गुप्ता जी इनके घर में ऊपर आए, और ऊपर आके जो राकेश जी जो हमारे मित्र थे अब नहीं है इस दुनिया में, तो उनकी मिसेज थी ऊपर, तो उनको धमकाया और चाकू के मतलब गर्दन पे चाकू रख के और उनसे कहा कि अगर आप शोर करेंगी तो हम अभी आपका मर्डर कर देंगे और आपका बेटा भी हमारे कब्जे में है, 3-4 लोग उन्हें अपने पास कस्टडी में रखे हुए हैं, अगर आप शोर मचाएंगी या कुछ भी ऐसा होता है तो बेटे को भी मार दिया जाएगा और यहाँ हम आपको मार देंगे। पुलिस को देखकर पड़ोसियों को भी पता चला कि यहाँ पर इस तरह की वारदात हुई है। अब इस मामले में घर के बाहर रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे और टेक्निकल सर्वेलेंस से पुलिस की टीम छानबीन कर रही है। जिस जगह पर ये वारदात हुई वो जगह पॉश इलाका माना जाता है। भरी शाम इस तरह की लूट की वारदात से आसपास के लोग भी हो सकते हैं ये सोचकर सन्न है कि कोई भी इस तरह के बदमाशों की चपेट में आ सकता है, तो फिर उनके साथ भी ऐसी वारदात हो सकती है।